कुर्ती मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ वो होने वाला है ये लाइट पर्पल शेड की कुर्ती। इसको भी मैंने मिंत्रा से परचेज किया है। ये आपको बहुत ब्यूटीफुल सा लाइट पर्पल इस शेड में मिल जाएगा, आप देख सकते हो। इसका डिटेलिंग थोड़ा सा दिखा देती हूँ। सामने आपको इस तरीके से डीप वी नेक मिल जाएगा, पीछे भी डीप वी नेक दिया हुआ है इस तरीके से, और इस तरीके से दो डोरी प्रोवाइड किया हुआ है जिससे कि आप ऐसा नॉट कर सकते हो। ये नॉट आपको पीछे आएगी, सामने नहीं आएगी। तो पहनने के बाद बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लुक आपको मिलने वाला है। और ये स्ट्रेट फिट कुर्ता है इस तरीके से, साइड में स्लिट प्रोवाइड किया हुआ है, एकदम स्ट्रेट नहीं है। आप देखो ये साइड लास्ट में इस तरीके से ना थोड़ा सा कर्व दिया हुआ है, इसका कटिंग में थोड़ा सा इस तरीके से मिलेगा आपको। स्लीव आपको इसमें मिल जाएगा इस तरीके से 3/4 जैसे नॉर्मल कुर्ते का आता है, और बहुत ब्यूटीफुल लुक क्रिएट करता है नॉर्मल वेयर के लिए, रेगुलर वेयर पर्पज़ के लिए एकदम अप्रोप्रिएट रहने वाला है। इसका प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल में मैंने परचेज किया था, अराउंड 500 ये मुझे मिल गया था। तो अगर आपको ये पसंद है तो डेफिनेटली चेक कर सकते हो। इसका ब्रांड होने वाला है अनूप, और अनूप ब्रांड के भी कुर्ते जो है थोड़ा सा बड़े आते हैं। अगर आपको इसको पसंद है ट्राई करना है तो आप अपना एक साइज डाउन जाइएगा, क्योंकि इनकी जो साइज़ है थोड़ा सा बड़ा आ जाता है। इसमें मैंने भी लार्ज पहना हुआ है और ये मुझे परफेक्टली फिट आया है, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। और मटेरियल की बात करूँ तो इसका मटेरियल आपको मिलने वाला है सॉफ्ट क्रेप फैब्रिक में। इसका जो मटेरियल है ये भी बहुत फ्लोइंग फैब्रिक है, बहुत सॉफ्ट है, स्किन फ्रेंडली होने वाले हैं। जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि क्रेप मटेरियल का जो फैब्रिक होता है ये बहुत ईजी टू मैनेज हो जाता है। इसको धोने के बाद आपको बार बार आयरन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका कलर कभी भी फेड नहीं होता, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत रफ यूज़ के लिए तो एकदम परफेक्ट रहने वाली है, और प्राइस भी इसका अफोर्डेबल है। तो कॉलेज गोइंग गर्ल्स या फिर आप अपने खुद के लिए भी, मैरिड हो फिर भी पहनना चाहते हो, घर में पहनना चाहते हो इस तरीके के पीसेस, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। और इस तरीके के मटेरियल्स जो है बहुत ज़्यादा गर्मी के टाइम पे, जैसे कि अप्रैल मई जून इस टाइम को थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लग सकता है, लेकिन अदर देन दैट बाकी टाइम पर आप इसको आराम से कैरी कर सकते हो, आराम से वेयर कर सकते हो, बहुत कम्फर्टेबल है। तो चलिए दिखा देती हूँ मैं मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ये ऑलिव ग्रीन कलर का मेंस शर्ट। ये कैजुअल शर्ट है, इस तरीके से थोड़ा सा स्लिम फिट में मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको मैंडरिन कॉलर प्रोवाइड किया हुआ मिलेगा, और पूरा ही बटन यहाँ पे दिया हुआ है जो ओपनेबल है ऑब्वियसली। और यहाँ पे आपको मिलेगा स्लीव जैसे नॉर्मल फुल स्लीव का मिलता है, ऐसे ऐसे मिल जाएगा, और यहाँ पे बटन का क्लोजर मिल जाएगा आपको आराम से। साइज इसमें परचेज किया हुआ है लार्ज, जो कि है 42। आप अपना एक्चुअल जो साइज़ है वो वाला परचेज करिएगा, ट्रू टू साइज़ है। मटेरियल की अगर मैं बात करूँ तो इसका मटेरियल आपको मिलने वाला है प्योर कॉटन, सॉफ्ट फैब्रिक है और कंफर्टेबल रहने वाली है, स्किन फ्रेंडली है, और प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल है। तो डेफिनेटली आप इसको परचेज कर सकते हो अगर आप ऐसा कुछ ढूंढ रहे हो कैजुअल वेयर के लिए। इसको आप अपने भाई के लिए, हस्बैंड के लिए या पापा के लिए, किसी के लिए भी आप इसको परचेज कर सकते हो अगर आपको किसी को गिफ्ट भी करना हो तो। चलिए मैं दिखा देती हूँ मेरा नेक्स्ट वाला प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला जो प्रोडक्ट है वो भी एक मेंस का शर्ट होने वाला है। ये भी कैजुअल शर्ट है, इस तरीके से आपको कॉलर नेक के साथ मिलेगा, यहाँ पे बटन की डिटेलिंग दी हुई है। इसका ब्रांड होने वाला है रेड टिप, जो पहले मैंने दिखाया था उसका ब्रांड है रोस्टर। के बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से बटन दिया हुआ मिलेगा यहाँ पे फुल, और यहाँ पे आपको इस तरीके से रेड टिप का लोगो भी मिल जाएगा। स्लीव आपको इस तरीके से मिलेगा फुल, यहाँ पे आपको बटन की क्लोजर मिलेगी जैसे नॉर्मल शर्ट में होते हैं, और ये थोड़ा सा स्लिम फिट में आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा टक्स दिए हुए मिलेंगे इस तरीके से, जिसकी वजह से ना ये थोड़ा सा स्लिम फिट देता है, तो पहनने के बाद बहुत अच्छा लुक देता है। आप इसको आराम से अपने ऑफिस पर्पजेज के लिए भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसका कलर सॉलिड कलर में है, कैजुअल वेयर है फिर भी सॉलिड कलर में है, तो आप इसको टक इन करके पहनोगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, फॉर्मल लुक मिलेगा इसको पहनने के बाद। प्राइस मैंने इसका परचेज किया था अराउंड 750 जैसे को, तो प्राइस के हिसाब से मुझे ये बहुत सही लगा, बहुत अच्छी क्वालिटी का शर्ट लगा। और रेड टिप के मैंने बहुत सारे शर्ट पहले भी ऑर्डर करके ट्राई कर चुकी हूँ, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छे रहते हैं, लुक वाइज भी बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको पसंद है इस तरीके की पीसेस तो आप डेफिनेटली इसको परचेज कर सकते हो। रेड टिप के मैंने ऑफलाइन भी एक दो शर्ट परचेज किए थे, लेकिन मुझे इतना कुछ खास डिफरेंस पता नहीं चला कि ऑफलाइन में इतना महंगा क्यों आता है और ऑफलाइन में आपको इतना क्यों सस्ते में मिलता है। क्वालिटी वाइज मुझे उतना कुछ डिफरेंस पता नहीं चला, लेकिन हाँ प्राइस वाइज बहुत डिफरेंट है। तो आप देख सकते हो कि आपको यहाँ से परचेज करके एक बार ट्राई तो ज़रूर कर सकते हो कि आपको पसंद आए या नहीं आए। बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो रेड टिप के शर्ट्स आते हैं ना, ये वॉश करने के बाद थोड़ा थोड़ा कलर ब्लीड होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता कि आपको एकदम फर्स्ट वॉश में ही एकदम फेड हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन इसका कलर थोड़ा थोड़ा निकलता है।
बट ठीक है, डिसेंट है, एक डेढ़ साल आराम से चल जाता है। तो प्राइस वाइज अगर आपका एक डेढ़ साल चल ही रहा है वो भी डेली यूज़ करने के बाद, वो वर्थ है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें बहुत अच्छी शर्ट है। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ मेरा लास्ट वाला प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स, लास्ट वाला जो मेरा शो स्टॉपर पीस शेयर करने वाली हूँ आपसे, वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये आपको इनर मिलेगा रेड कलर में और आपको एक जैकेट मिलेगा। तो मैं पहले दिखा देती हूँ आपका इनर। तो ये वाला इनर आपको इस तरीके से कुछ रेड कलर में मिलेगा। नॉर्मल कॉटन का कुर्ता मिलेगा आपको इस तरीके से। राउंड नेक दिया हुआ है यहाँ पे और एक वुडन का बटन भी दिया हुआ है यहाँ पे, जो कि है ओपनेबल। आप इसको ओपन करके आराम से पहन सकते हो। और ये आपको मिलेगा स्लीव 3/4 इस तरीके से। और ये एकदम सिंपल प्लेन ए लाइन कुर्ते में आपको मिलेगा। लेंथ इसका मुझे आया है काफ लेंथ, उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये आपको कहाँ तक आएगी। मेरी हाइट है 5'2". और इसमें आपको पूरे ही कुर्ते में ना इस तरीके से ब्लू और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में एक कट प्रिंट दिया हुआ मिलेगा, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और इसका मटेरियल का बात करूँ तो आपको ये प्योर कॉटन में मिलेगा। तो और इसका जो मटेरियल है बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छी क्वालिटी का कॉटन प्रोवाइड किया गया है। तो डेफिनेटली आप इसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया। और जो इसका जो रेड कलर प्रोवाइड किया हुआ है, ये एकदम जो टोमेटो रेड कलर होता है ना, ब्राइट रेड कलर, वो वाला रेड कलर है। तो डेफिनेटली जिसको रेड कलर पसंद है उसको तो ये बहुत पसंद आने वाली है। इस कुर्ते को आप अलग से भी वेयर कर सकते हो, जीन्स के साथ, जेगिंग्स के साथ, लेगिंग्स के साथ, किसी भी के साथ आप इसको टीम अप कर सकते हो, जैकेट के बिना, तब भी ये अच्छा लगेगा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है और दिखने में भी बहुत सुंदर है, फिटिंग भी बहुत अच्छी है। ब्रांड इसका होने वाला है फैब्रिक कुटूर, और फैब्रिक कुटूर के कुर्ते मैंने पहले कभी नहीं खरीदे, ये मेरा फर्स्ट परचेज है। और इसका फर्स्ट परचेज मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंटिंग नहीं लगा, मुझे बहुत पसंद आया इसका क्वालिटी और इसका लुक। तो मैं दिखा देती हूँ इसका जैकेट। इसका जैकेट जो है इसका चार्म है, तो चलिए फटाफट से दिखा देती हूँ इसका जैकेट। तो फ्रेंड्स, इसका जो जैकेट है कुछ आपको इस तरीके से डीप स्काई ब्लू कलर में मिलेगा। ये देखिए, जो मैंने पहले एक जैकेट स्टाइल कुर्ता शेयर किया था जनसिया ब्रांड का, उसका जो स्काई ब्लू है वो एकदम लाइट कलर का स्काई ब्लू है, और ये वाला आपको थोड़ा सा डीपर शेड में मिलेगा। तो बहुत ब्यूटीफुल है पहनने के बाद। और इसमें पूरे ही बॉडी में कलमकारी प्रिंट्स बना हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे फेसेस के मोटिव्स बने हुए हैं, ग्रीन में, रेड में, येलो में। तो ये बहुत यूनिक पीस लगा मुझे। तो जिसको भी इंडियन प्रिंट्स पहनना पसंद है तो उसको तो ये डेफिनेटली बहुत पसंद आने वाला है, एकदम यूनिक पीस है। इस तरीके के पीसेस बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाते कहीं पे भी। तो अगर आपको पसंद आ रही है यहाँ पे, तो आप डेफिनेटली अपना ऑर्डर जो है प्लेस कर दीजिएगा, इससे पहले कि ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। इस तरीके के पीसेस बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा डिटेलिंग इसका दिखा देती हूँ। तो फर्स्ट में आपको मिलेगा इस तरीके से मैंडरिन कॉलर, और यहाँ पे आपको मिलेगा कट स्लीप में, ये कट स्लीप में प्रोवाइड किया हुआ है। और ये बन क्लोज, कोई भी क्लोजर दिया हुआ नहीं है, इसका जो है ओपन ही रहेगा ऐसे। लेकिन इसका जो स्टिचिंग है ये बहुत ही नीट एंड क्लीन है। ये देखिए, यहाँ पे एकदम फुल लेंथ में पट्टी लगाई हुई है, जो कुर्ते के मटेरियल का जो कपड़ा है ना वो वाला लगाया हुआ है, जिसकी वजह से इसका लुक जो है बहुत नीट एंड क्लीन आ रहा है। पहनने के बाद बहुत अच्छी लुक देने वाली है। और इसका और एक प्लस पॉइंट ये है कि ये वाला पीस आप किसी के साथ भी टीम अप कर सकते हो दूसरे कुर्ते के साथ। अगर आपके पास कोई भी प्लेन कलर का कुर्ता है, रेड में हो, रेड में हो, या फिर येलो में हो, उसके ऊपर आप इसको पहनोगे तो उसका पूरा लुक ही चेंज कर देगा ये जैकेट, इतना वर्सेटाइल चीज़ है। तो ये पीस तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो इसका प्राइस मुझे पड़ा था अराउंड 1200। आपको थोड़ा सा महंगा लग सकता है, बट मैं बोलती हूँ फ्रेंड्स, जो क्वालिटी और जो लुक ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं अपने ड्रेस में, उस हिसाब से मुझे वर्थ इन्वेस्टमेंट लगता है। तो अगर आपको पसंद आ रही है ये चीज़, तो डेफिनेटली आप इसको परचेज कर सकते हो। तो आज के कलेक्शन में से कोई भी कलेक्शन आपको अगर परचेज करनी है, तो सारे ही प्रोडक्ट्स के परचेज लिंक्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप जाके एक बार चेकआउट ज़रूर से कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का मेरा पूरा कलेक्शन। आई होप आप सबने बहुत इन्जॉय किए होंगे और आपको बहुत पसंद आए होंगे। और अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और शेयर करिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय।